हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं बहुत टेस्टी मसाला बैंगन बनाने जा रही हूँ। जिन लोगों को बैंगन खाना नहीं भी पसंद हो, वो भी मांग मांग के खाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं और इसमें मैं एक टेबल स्पून तेल डालूंगी। तेल हमारा गरम हो गया है, इसी में हम थोड़ा सा मूंगफली डाल देंगे। दो टेबल स्पून मूंगफली डाल देंगे। इसको डाल के इस तरीके से हम भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया सीड्स है, इसको भी डाल के अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून हमने ये वाइट वाला तिल लिया है, इसको भी डाल देंगे। और 1 टीस्पून हमने ये पपी सीड लिया है, जिसको पुस्ता दाना बोलते हैं, ये भी डाल के हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। और हमने 2 लाल मिर्च को छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसको डाल के थोड़ा सा सोना होने तक इसको हम भून लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा नारियल काट लिया है, देखिए चिटक रहा है, मतलब कि हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमने मसाले जो कढ़ाई में भून लिए थे वो सब हमने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी हम इसी में इतना लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा ये अदरक काट लिया है, ये इतना थोड़ा सा हम इसमें इमली डालेंगे थोड़ा खट्टा होने के लिए, थोड़ा सा धनिया पत्ती है, 1 टमाटर हमने काट लिया है, इसको भी इसी में डाल के पीस लेंगे, और ये 1 प्याज काटा हुआ है। इन सबको हम मिक्सी में पीस के एक पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने पीस लिया है, बाकी मसाले मिला के भी हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हमारा मसाला ये देखिए पीस के तैयार हो गया। अब हम अपने बैंगन को देख लेते हैं। ये हमारे बैंगन है, हमने बैंगन ले लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़ा बैंगन है। तो इसमें हम इस तरह से चीरा लगा के इसको चेक कर लेंगे कि इसमें ख़राब तो नहीं है बैंगन। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। और इसमें भी बैंगन में हमारे अभी मतलब बीज भी नहीं पड़े हैं। तो हमने जो ये मसाले अपने बना लिए हैं, तो जितना उस बैंगन में भरने के लिए होगा उतना मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से नमक मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जो हम बैंगन काट रखे इस तरीके से इसको फैला के इस तरीके से भर देंगे दोनों तरफ से। ये हमारा बैंगन भर के तैयार हो गया। जो भी एक्स्ट्रा मसाले हैं इसी में इसे लगा दी। इस तरीके से हम अपने सारे बैंगन में मसाले भर लेते हैं। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी, कोई भी तेल, मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। 1/2 टीस्पून उड़द दाल डालूंगी तड़के में, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई दाना। इसे हमारा चिटक गया जो हम डाल रखे हैं, इसमें मैं ये कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। इसी में 2 मिर्च मैंने स्लाइस को काट लिए हैं और 1 प्याज काटा है, इसको भी डाल देंगे। तो डाल के ट्रांसपेरेंट होने तक हम पका लेते हैं। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, 1 टमाटर हमने काट लिया है, इसको भी हम इसी में डाल के पका लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको ऐसे ढक देते हैं, ढक के हम पका लेंगे, 2-3 मिनट पक जाए फिर देखते हैं। टमाटर भी हमारा गलने लगा है, इसी में हम टेस्ट के हमने नमक डाल रखा है, तो अपने हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है नमक डाल देंगे। अब इसी में हमने जो ये बैंगन भर रखा है, मसाले जो भर के रखे हैं, एक एक करके ये बैंगन डाल देते हैं। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, मीडियम गैस पे हम इसको पकने देते हैं। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, गैस को कम कर देते हैं।
बैंगन को हम एक बार इसे पलट देते हैं, दोनों तरफ से पक जाएगा। एक तरफ से थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है, इस तरीके से हम पलट के दूसरी तरफ भी कर देंगे और इसको भी हम ढक के 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम गैस पे। दोनों तरफ से हमारा पकना शुरू हो गया है बैंगन। तो अब हम वो ये मसाला पीस के रखे हैं जो बैंगन में भर दिए थे, बाकी बचे हुए मसाले हम इसी में डाल देते हैं। डाल के हम इस तरीके से चला लेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा कर देंगे मसालों को। और मसालों के साथ हम मीडियम गैस पे ऐसे पकने देते हैं। आइए हम अपना बैंगन चेक कर लेते हैं। तो मसाला बैंगन बहुत अच्छे से पक रहा है और इसको हम ऐसे पकने देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं तो मसाला नीचे ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पकने देते हैं। मैंने जो मिक्सी जार में मसाले बना लिए थे, बहुत मसाले जो लगे थे मैंने पानी डाल के इसको निकाल लिया है, तो इसको भी हम इसी में ऐसे डाल देते हैं। बस हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, अब इसी में हम इसको पकने देते हैं। देखिए 5 मिनट तक मीडियम गैस पे इसको हम पकने देते हैं। चेक कर लेते हैं अपना, ये हमारा मसाला बैंगन बनके तैयार हो गया है। इसको 10 मिनट तक हमने मीडियम गैस पे पकाया है, तो अभी बैंगन सारे गल गए हैं। हरा धनिया पत्ती डाल के सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में मसाला बैंगन करी बनके तैयार हो गया। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।